और आज का आपका चैप्टर है इलेक्ट्रॉनिक मेल ईमेल एंटर द कंप्यूटर वर्ल्ड बुक 6 से चैप्टर 9। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। पहला जो आपका ये इस चैप्टर में इंट्रोडक्शन दिया है कि ईमेल है क्या, तो ये देखिए, ईमेल इज एन शॉर्ट फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मेल, इज द वे बाय विच कैन सेंड और रिसीव मैसेजेस फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर एनी टाइम एनी वेयर इन द वर्ल्ड। ईमेल इज वन ऑफ द फास्टेस्ट मोड ऑफ कम्युनिकेशन, इट इज सिंपल एंड ईजी। तो बच्चों जो आपका चैप्टर है उसमें जो ईमेल के बारे में दिया गया है कि ईमेल एक शॉर्ट फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक मेल की, जो कि एक वे है कि आपको कोई मैसेज करना है या आपके पास आपको प्राप्त करना है तो ये एक वे है कि किसी एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को मैसेजेस भेजने के लिए काम आता है। आप कहीं भी इससे मैसेज भेज सकते हो पूरी दुनिया में। ईमेल इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट मोड ऑफ कम्युनिकेशन, जो ईमेल है ये सबसे तेज काम करता है, आपको सबसे तेज कम्युनिकेशन करता है। आपको जैसे कोई मैसेज भेजना है तो ये सबसे फास्ट मोड है और किसी माध्यम से, और किसी मीडियम से, जैसे कि फ़ोन लाइन और फैक्स और जो आप ये कम्युनिकेशन के और चीज़ें यूज़ के लिए यूज़ करते हो, इन चीज़ों से सबसे ज़्यादा फास्ट जो है वो ईमेल है। और इट इज़ सिंपल एंड ईजी, ये सबसे आसान है। तो मैं आपको बताऊंगा कि ईमेल को ईमेल अकाउंट कैसे क्रिएट किया जाता है और इस पे काम हम कैसे करते हैं। तो चलिए बच्चों, किसी ईमेल आईडी को बनाने के लिए ये कुछ स्टेप्स दिए गए हैं, इन्हें आपको फॉलो करना होगा। तो मैं चाहूँगा कि आप इन्हें प्रैक्टिकली भी करके देखें। तो चलिए, इफ़ यू वांट टू क्रिएट एन ईमेल आईडी और एन अकाउंट और ऑन इंटरनेट, फॉलो द गिवन स्टेप्स। अगर आपको कोई ईमेल आईडी या फिर अकाउंट बनाना है इंटरनेट पर, तो आपको ये कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे, जिसमें कि बच्चों पहला स्टेप जो दिया है, आपको अपने कंप्यूटर को ओपन कर इंटरनेट एक्सप्लोरर को ओपन करना होगा। स्टेप टू है, आपको अपने यूआरएल बार में टाइप वेबसाइट नेम इन yahoo.com, जो कि एक यूआरएल में आपको ये वेबसाइट का एड्रेस डालना पड़ेगा, yahoo.in.yahoo.com करके। देन स्टेप थ्री है, क्लिक ऑन मेल बॉक्स, आपको उस पर एक मेल, जैसे ही ये यूआरएल खुलेगा तो आपको एक मेल बॉक्स दिखाई देगा जो कि एक चिट्ठी जैसा दिखाई देता है, उस पर आपको क्लिक करना होगा। स्टेप फोर है, क्लिक ऑन द क्रिएट न्यू अकाउंट, एंड आपको क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक करना है। देन आपके सामने एक फॉर्म आएगा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, वो आपको स्टेप फाइव में जो दिया है, फिलअप द रजिस्ट्रेशन फॉर्म, आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म होगा उसे भरना होगा, जिसमें नाम कॉन्टैक्ट नंबर इत्यादि चीज़ें दी गई होंगी। स्टेप सिक्स है, क्लिक ऑन क्रिएट अकाउंट एंड सबमिट, देन आपको क्रिएट अकाउंट करके सबमिट बटन पे क्लिक करना होगा और आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। आपके कुछ एग्जांपल्स दिए हैं ईमेल आईडी के, www.yahoo.yahoomail.com, www.gmail.com, www.hotmail.com, www.rediffmail.com। बच्चों ये एग्जांपल्स हैं जीमेल अकाउंट, ईमेल अकाउंट के। आप ये देखिए बच्चों, मैंने यूआरएल अपने इंटरनेट ब्राउज़र में पहले ही डाल दिया था, जो कि www.yahoo.com के नाम से है,
ये आप देख सकते हैं बच्चों, ये याहू की वेबसाइट है, ये कुछ इस तरह से की दिखाई देती है। इसमें आपको ये देखना है, देखिए इसमें नीचे दिया है क्रिएट एन अकाउंट, आपको इस बटन पे क्लिक करना होगा। देन आपका अकाउंट जब आपको बनाना हो तो आप ये कर सकते हैं। नेक्स्ट है, आपके सामने ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल के आ जाएगा। बच्चों ये रजिस्ट्रेशन जो फॉर्म है इसमें आपको दिख रहा होगा एम्मा विटमैन, एम्मा विटमैन नीचे पूरा नाम आ रहा है, और ये आपका वेब जो आपकी ईमेल एड्रेस होगा वो आपके सामने कुछ इस तरह का दिखाई देगा, ये एम्मा विटमैन एट द रेट याहू डॉट कॉम कुछ इस तरह का। देन आपको जो पासवर्ड रखना होगा उसे आप नीचे रख सकते हो, जिसके द्वारा आप अपने बच्चों जो ईमेल का जो पासवर्ड होता है वो हम किसी को बताते नहीं हैं, क्योंकि ये आपको ही पता होना चाहिए, अगर किसी और को पता चला तो वो उसका मिसयूज़ कर सकता है। देन आपके जो फॉर्म है इसमें आपका मोबाइल नंबर और बर्थ डेट डालनी होगी, और आपका जेंडर है जो वो ऑप्शनल है, उसे आप डाल भी सकते हैं और डाल भी नहीं सकते, आपकी इच्छानुकूल है। देन आपको करना है कंटिन्यू, ये आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप हो गया। तो फिर इसके बाद आपके सामने एक वेरिफिकेशन कोड जाता है 64721 आपको दिखाई दे रहा होगा, ये आपके फ़ोन पर जाएगा। देन आपको वेरीफाई करना है इसे, और इस नंबर को आप अपने कंप्यूटर स्क्रीन में मांगा होगा उसमें आप डालेंगे और आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। ये देखिए बच्चों, जब आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा, बन जाएगा, तो आपको इस पे काम कैसे करना है, तो आप ये देखिए, पहले आपको साइन इन में जाना होगा, क्लिक बटन साइन इन बटन पे, देन आपके सामने ये वाला फॉर्म खुलेगा। इसमें आपको जो याहू की जो आईडी थी, जो याहू आईडी डालनी होगी, और आपका याहू पासवर्ड डालना होगा जो आपने बनाया था। देन आपके सामने जो आपका बना हुआ अकाउंट है, जो आपका जो आपने क्रिएट किया है, वो कुछ इस तरह का दिखाई देगा। ये बच्चों जो आपने अकाउंट बनाया है हमने, इसमें ये कुछ इस तरह का दिखाई देता है, जो आपकी होम स्क्रीन होती है, जो आपका पेज होता है, इसमें इनबॉक्स है। इनबॉक्स में बच्चों क्या होता है कि इसमें सारे मैसेजेस आ जाते हैं जो आपके पास आए हैं, इसमें सारे और जितने भी मैसेज आपके पास आए होंगे वो सारे इनबॉक्स में आते हैं। देन यह इसके यूजेस आप देख सकते हैं कि इसमें ड्राफ्ट्स है, सेंट है, स्पैम है, ट्रैश है, और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें सारी दी हैं। और आपका सबसे सिंपल है जो कि आपको मैसेज करने होते हैं तो यहाँ पे फ्रॉम, जहाँ पे आपकी अपना अकाउंट लिखा आता है वो आपका फ्रॉम में लिखा आता है। देन जैसे अगर आपको किसी को ईमेल भेजनी है तो एक सिंपल फॉर्मेट है जो कि आप समझ भी सकते हैं कि बहुत ही आसान तरीका है। ये देखिए यहाँ पे है आपका फ्रॉम, जैसे कि आपको ये आपका जीमेल एड्रेस यहाँ पे लिखा आएगा। देन आपको कहाँ पे किसको भेजना है, तो आपको टू के बाद उसकी जीमेल आईडी लिखनी होगी, कि जैसे कि shubham.kumar@gmail.com, ये आपको यहाँ पे लिखना होगा। जैसे और आपको जैसे मल्टीपल बहुत सारे लोगों को भेजना है तो आप कॉलम लगा के लिख सकते हैं। अगर आपको एक कोई, मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे एक एड्रेस लिखिए, देन आपको सब्जेक्ट कि आपको किस पर्पस के लिए लिखना है, जैसे कि आपको कोई बर्थडे सेलिब्रेशन या फिर शादी वगैरह के लिए इनविटेशन, वेडिंग इनविटेशन वगैरह भेजना हो तो आप ये उसका सब्जेक्ट लिख सकते हैं कि आपको क्या सब्जेक्ट के बारे में, और जो आपका कंटेंट एरिया है वो आपका ये है, ये बीच में जहाँ पे ये जेफरसन वगैरह लिखा है बच्चों, ये एरिया आपका कंटेंट एरिया है जहाँ पे आप अपना लेटर लिखते हो। देन आपको अगर कोई फ़ोटो या कुछ फाइल ऐड करनी हो तो ये प्लस का बटन है, आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। देन सेंड, और जो आपके ये आप जिसे भेजना चाहते होंगे ये लेटर,
उसके पास पहुंच जाएगा जैसा आपने इसे लिखा होगा। ठीक है बच्चों, ये था आपका लेक्चर, और मैं उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको ज़रूर पसंद आया होगा।